तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को आज बोर्ड का कनेक्शन जो होता है घर का, उसको सिखाने जा रहा हूँ। जो जिसमें चार स्विच, एक फाइव सॉकेट, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर है, इसको कनेक्शन हम किस तरह करते हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो स्विच का जो नीचे वाला होता है उसको सीरीज कर लेंगे। अगर ये फाइव पीस सॉकेट को स्विच करना होगा तो चारों स्विच कहीं को स्विच करेंगे। चारों को कर लेंगे इस तरह। उसके बाद इसका वायर इंडिकेटर तो ले जाएंगे, वायर दोनों को आपस में जोड़ कर इंडिकेटर को जो नीचे वाला होता है उसमें लगा देंगे। उसके बाद एक वायर यहाँ से आएगा तो यहाँ फ्यूज में जोड़ देंगे। गरम का वायर है यहाँ से यहाँ चल जाएगा। अब एक तार जो न्यूट्रल का होता है इसको फाइव पिन सॉकेट में कोई एक में जोड़ सकते हैं। और एक इंडिकेटर के जो ऊपर वाला होता है वहां पर जोड़ देंगे। एक वायर को ले लेंगे और फ्यूज के ऊपर वाला में जोड़ लेंगे, जो गरम का जो फ्यूज का वायर होगा उसमें जोड़ेंगे। लाइन देंगे जो फ्यूज का वायर हो गया, एक न्यूट्रल का वायर देंगे इसमें। यहाँ से दे देंगे न्यूट्रल का वायर इसमें से। न्यूट्रल का वायर जोड़ देंगे। और यहाँ जो है आपकी सॉकेट का एक में से एक स्विच दे दे देंगे, जो स्विच से हो जाएगा इसका। इस तरह हो गया। अब ये
तीन स्विच बचा हुआ है, इसको वायर निकाल देंगे हम लोग, इसके लिए ये तार ले लेंगे। इसको एक मिनट पहले ये तीनों तार को आपस में जोड़ कर न्यूट्रल में दे देंगे, जो न्यूट्रल का वायर दे देंगे। एक बच रहा है उसमें स्विच में ऊपर ऊपर जोड़ देंगे, सबसे ऊपर हमें एक इसमें जोड़ देंगे। और एक यहाँ जोड़ देंगे, एक एक तार को एक एक स्विच में जोड़ देंगे। और एक बचा हुआ है ये, इसको स्विच में जोड़ देंगे। तरह चार स्विच का जो तीन, इस तरह तीन को स्विच का निकल गया वायर, ये एक दो तीन, तीन का निकला होगा ये देखिए। और एक स्विच से ये फाइव सॉकेट का है, जो कि इसका यहाँ से ये देखिए यहाँ से दिया गया है इसमें। और ये फ्यूज में जो ये फ्यूज का वायर है जो फेज हो जाएगा, और ये इंडिकेटर में से जो ऊपर में से निकला है वो अर्थ का हो जाएगा, न्यूट्रल वायर हो जाएगा। और ये तीन उस तरह कंप्लीट हो जाएगा।